काम किया आपने? अच्छा लग रहा है, अच्छा लग रहा है। बच्चे पूरे जोश से यहाँ पे आए हैं और हिंदुस्तान से सारे बच्चे आए हैं, तो काफी उमंग है, काफी जोश है बच्चों के अंदर, अच्छा लग रहा है। ये 12वां साल है। अच्छा, 12वां साल है। लगातार इसी ट्रैक पे मैच हो रही है और इंडिया से बच्चे यहाँ पार्टिसिपेट करते हैं। बोलिए। इधर हम लोग स्पीड स्केटिंग की ट्रेनिंग देते हैं, बच्चे को कंपटीशन में भेजने के बाद उनको कैसा जीतना है वो सिखाते हैं हम लोग। गोल्ड मेडल, सिल्वर मेडल, ब्रॉन्ज मेडल कैसे जीतना है वो सिखाते हैं। इस प्रकार की स्पीड की ट्रेनिंग दी जाती है ये फील्ड में। सर, 12 साल हुए, शुरुआत कैसे किया था, कितने बच्चों ने पार्टिसिपेट किया था स्टार्टिंग से लेकर अब तक, कितना बदलाव आया, कितना सपोर्ट मिला है? वी हैड स्टार्टेड विद 100 स्केटर्स एंड राइट नाउ वी आर मोर देन 1500 स्केटर्स। मतलब विद इन 12 ईयर्स देर हैज़ बीन वास्ट एक्सपांशन। लाइक पहले महाराष्ट्र से शुरू हुआ, फिर उसके बाद दूसरे स्टेट्स में इसका बहुत प्रमोशन हो के और स्केटर्स बढ़ते गए। अभी जैसे ध्वनि त्रिले साहब हैं, या मरीन ड्राइव, इतना लंबे से ही हैज बीन फॉर पास्ट 12 ईयर्स विद अस, अ ग्रेट सपोर्ट। कोई भी इवेंट आप बोल सकते हैं इन्होंने मिस नहीं किया होगा। इतने साल से आपके लिए सपोर्ट कर रहे हैं तो उनके बारे में क्या बोलोगे? वो एक इंटरनेशनल स्केटर है एंड ही इज यूजिंग ऑल हिज एक्सपीरियंस ओवर हियर, जिसके वजह से आप देख रहे हैं ये रेस इतना स्मूथली चल रहा है। एक बार एक प्रोग्राम हुआ था, मैं छोटे से प्रोग्राम में गया था, भाग्यश्री को बुलाया गया था, ओके, जो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड में नाम दिए थे और उन बच्चों को सर्टिफिकेट बांटे गए थे, ओके, मरीन ड्राइव में कालवा देवी, ओके। तो कैसा लगा आपको, कैसा उनका काम कैसा लगता है वैसे, एक्सीलेंट ट्रेनर, एक्सीलेंट सपोर्टर, एक्सीलेंट मीन्स एक्सीलेंट वर्ड इज वेरी यू नो वेरी स्मॉल फॉर हिम। जो भी ये करते हैं वो बहुत उसके परफेक्शन होती है उसमें। आपको कभी किसी बात का मौका नहीं मिलेगा कि आप कोई कोई पॉइंट उठा सके, कोई फॉल्ट उठा सके, वहाँ पे कहीं नहीं मिलेगा। ये इतना स्मूथली इनके टेक्निकल गाइडेंस की वजह से चलते आ रहा है। या इनफैक्ट इज द चीफ रेफरी फॉर स्केट इंडिया चैंपियनशिप फ्रॉम पास्ट 12 ईयर्स नॉन स्टॉप एंड मेनी मोर टू गो। यस, एंड मेनी मेनी मोर टू गो। बच्चे 10वीं 12वीं में पढ़ रहे हैं, उसके बाद भी उनके पास में स्केटिंग करते हैं, तो ऐसा इनके अंदर में क्या खूबी होगी ऐसे? एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस, एक्सपीरियंस। चैंपियन होते हैं और चैंपियन के पीछे सचिन तेंदुलकर के पीछे हर एक देश का बच्चा भागता है। आप नहीं बोल सकते सचिन तेंदुलकर क्यों है। तो वैसे ही हमारे फील्ड में स्केटिंग जो आप देखते हो उसमें ध्वनि त्रेले नहीं कि ये 12 साल जो संजय सर के साथ बिताया उसने ये इवेंट को ऊपर लाने में, ये तो पिछले 25 सालों से जो बॉम्बे, जो हमारा हम लोग मुंबई बोलते हैं आजकल, उसके लिए इतने नए स्केटर्स पैदे किए, जो इंटरनेशनल इवेंट में जाके खेले, हमारा देश के लिए खेले, हमारा स्टेट के लिए खेले और बनाते ही जा रहे। तो ध्वनित सर को देख के बहुत सारे कोचेज उसमें प्रभावित होते हैं और आगे बढ़ते हैं और यही बच्चे लोग में ट्रांसफर होते हैं। और मैं स्केट इंडिया के बारे में कहना चाहूँगा कि स्केट इंडिया इसलिए फेमस है कि जो भी हमारे मुंबई से अलग अलग स्टेट से जो नेशनल रिप्रेजेंट करते हैं, जो गोल्ड मेडलिस्ट है, सिल्वर मेडलिस्ट है, उनका उन स्केटर्स का स्केट इंडिया में गौरव अवार्ड दिया जाता है, महाराष्ट्र गौरव अवार्ड दिया जाता है स्केट इंडिया के थ्रू, तो उन लोगों को बहुत बेनिफिट मिलता है और उनका इधर सत्कार होता है खाली स्केट इंडिया कॉम्पिटिशन में। इंडिया में कोई भी चैम्पियनशिप में जो रिप्रेजेंट करते हैं स्टेट नेशनल लेवल के स्केटर्स को कोई भी देश में गौरव नहीं किया जाता। इट्स एन प्लेटफॉर्म फॉर इंकरेजमेंट फॉर द स्केटर्स, ताकि उनमें और उत्साह हो, इसके लिए हम इसको एज अ प्लेटफॉर्म ट्रीट करते हैं। देखा जाए तो आज कहां-कहां से टीमें आई हुई है? और यू कैन स्टेट से उतारी गई है टीम, दिल्ली, यूपी, हरियाणा, पंजाब, हैदराबाद, आंध्र प्रदेश, गुजरात, तेलंगाना, काफी जगह से टीम्स आई हुई है यहाँ पे एंड वी आर प्राउड
हमको बहुत खुशी है कि ये सारे बच्चे इस प्लेटफॉर्म पे आके मैच कर रहे हैं, कम्पीट कर रहे हैं और खुश हो के यहाँ से जा रहे हैं। और डे बाय डे इसका क्रेज बढ़ते जा रहा है, मतलब हमको इसको प्रमोट नहीं करना होता है, स्केट इंडिया नाम ही काफी है। जो एक बार यहाँ आ जाता है ही विल कम रिपीटेडली फॉर, अभी कितने बच्चे हैं जो केजी में होंगे वो 12 ईयर से कंटिन्यूस आ रहे हैं, मतलब वो छोड़ते नहीं है। स्केट इंडिया एक स्केटिंग फील्ड में ब्रांड हो गया है। ब्रांड स्केट इंडिया में जो भी पहली बार स्केट खेलने आता है, कॉम्पिटिशन खेलने आता है, वो बार बार पूछता है अपने कोचेज को, सर स्केट इंडिया रेस कभी है, कभी है, कभी है। हम लोगों को लगातार उनको जवाब देना पड़ता है, सर रेस खेलना है तो हमको स्केट इंडिया खेलना है, क्योंकि इधर बच्चे लोगों को प्रमोट जिस तरह के किया जाता है, फर्स्ट सेकेंड थर्ड को ही नहीं प्राइज दिया जाता है तो रनर अप को भी प्राइज दिया जाता है और ऑल पार्टिसिपेंट को इधर मेडल्स दिया जाता है। ये रेस में कहीं नहीं होता, कोई भी बच्चा खाली हाथ नहीं जाता है, अगर वो जीता तो भी मेडल लेके जाता है, रनर्स भी मेडल लेके जाते हैं विथ मेरिट सर्टिफिकेट, और जो नहीं जीतते उनको भी पार्टिसिपेंट सर्टिफिकेट दिया जाता है और मेडल्स भी दिया जाता है। इसीलिए हर एक बच्चा खुश ही होके जाता है स्केट इंडिया, इसलिए स्केट इंडिया स्केटिंग फील्ड में एक ब्रांड हो गया है। आगे के और आने वाले साल में स्केट इंडिया मुझे तो लगता है इंटरनेशनल लेवल के हमारा प्लान चालू है, ऑर्गेनाइजर संजय सिंह का सर का, कि ऑल इंडिया आउट ऑफ इंडिया से भी टीम बुलाई जाए। पेरेंट्स का बहुत आभार मानना चाहता हूँ कि पेरेंट्स ये स्केट के लिए बच्चे लोगों को टाइम देते हैं, अगर पेरेंट्स लोग टाइम नहीं देंगे तो बच्चे लोगों को क्लास में लेके आके कोचेस लोग बच्चे लोगों के लिए टाइम नहीं दे पाएंगे। पेरेंट्स लोगों का इसमें बहुत बड़ा हाथ होता है कि बच्चे लोगों को क्लास में लेके जाके उनका टाइम देते हैं, इसीलिए हम लोग स्टूडेंट लोगों को, स्केटर्स लोगों को ट्रेन कर पाते हैं कंपटीशन के लिए। तो पेरेंट्स लोगों को मैं बहुत आभारी हूँ कि वो लोग अपने बच्चों को स्केटिंग फील्ड में, स्केटिंग कोच के क्लास में लाके टाइम दे रहे हैं और यहाँ पे आके मतलब सुबह से लेके शाम तक दे आर थ्रू आउट विद द किड्स, ना कोई छोड़ता है ना कोई बोर होता है, कि रेस खेल के पूरा कम्प्लीट करके ही जाते हैं, मतलब पेशेंस से वेट करते हैं। और आज जो फुल टाइम मोबाइल के ऊपर रहते हैं तो हर एक माँ बाप सोचते हैं कि मोबाइल मोबाइल मोबाइल, पर एक बार वो लोग अगर बच्चे के पैर पे स्केट डाले जो एप्पल स्केट्स होते हैं तो बस एप्पल अ डे कीप्स द डॉक्टर अवे, वो मोबाइल भी दूर हो जाएगा और बच्चे स्केट करते करते फिटनेस भी रहेगा। यहाँ तक भी ये हुआ है कि हम लोग ये सोच रहे हैं कि नेक्स्ट ईयर कि शायद पेरेंट्स को भी भगाए इधर, ताकि मम्मी डैडी अपने बच्चे के साथ भी स्केटिंग करे और एक फैमिली का यूनिटी और बढ़े। जो लोग बोलते हैं कि फैमिली टूट रहे और ये नई सोच हम लोग को भारत में लाके देना है, इसीलिए स्केट इंडिया आज यहाँ पे, शायद कल और भी बड़े जगह पे करेंगे। और हम लोग का जो यहाँ पे नगर सेवक लोग है और जो भी ऑलवेज हम लोग को हेल्प किया ही है ऑलवेज, और ऑलवेज वी expect them to always help us. Yes, and it is good. किस तरह से आयोजन किया जाता है, कितने दिनों का होता है और कहां कहां से टीम को कैसे इन्फॉर्म करते हैं? सबसे पहले स्केट इंडिया की अनाउंसमेंट 6 महीने पहले होती है, 6 महीने पहले अनाउंसमेंट होने के बाद हर एक स्टेट को इन्फॉर्म किया जाता है कि अपनी अपनी टीम्स आप लेके आ सकते हैं, जैसे कि स्केट इंडिया के यूनिट्स हर स्टेट में आज मौजूद हैं। वो यूनिट्स अपने सब यूनिट्स को इन्फॉर्म करते हैं और उसके बाद में वहाँ से प्लेयर्स का सिलेक्शन होके सिलेक्शन लिस्ट स्केट इंडिया ऑफिस से पहले आती है और उसके बाद फिर प्लेयर्स जितने सिलेक्ट होते हैं वही यहाँ पे आ पाते हैं। इट्स लाइक डिस्ट्रिक्ट स्टेट एंड नेशनल मैच, जैसे डिस्ट्रिक्ट में आप देखते हैं कि स्कूल लेवल पे पहले सिलेक्शन आता है, उसके बाद में वो प्लेयर्स तालुका खेलते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट खेलते हैं, उसके बाद वो टीम आपके स्टेट में आती है, स्टेट की टीम नेशनल्स में आती है। एट द सेम पॉइंट इस तरीके से प्लेयर्स यहाँ पे आप देख रहे हैं यहाँ पे आ जाए। स्केट इंडिया जब हमने शुरू किया था तो उस टाइम पे एक ही मोटिव था कि गेम थ्रू गेम, इट मीन्स गेम से ही गेम को प्रमोट करना। नो डाउट एसोसिएशन, लोकल बॉडी, इन सब का सपोर्ट बहुत अच्छा है, लेकिन कहीं ना कहीं पे गेम उस लेवल पे नहीं जा रहा था जिस लेवल पे हम लोग चाहते थे या कोचेज चाहते थे या
या कुछ जो चाहने वाले थे वो चाहते थे या पेरेंट्स चाहते थे, उस लेवल पे आज से 10 साल पहले मैच नहीं, रेसेस नहीं गई थी, बहुत छोटे लेवल पे रेस होती थी, 50-100 बच्चे आ गए, रेस कर ली, उनको ओके ओके मेडल्स दे दिया आपने, उनको फ्री कर दिया, बट इससे पर्पज सॉल्व नहीं हुआ, क्योंकि वो बच्चे कहीं आगे नहीं जा पा रहे थे। अगर मेरा बच्चा कहीं आगे जा ही नहीं पाएगा तो मैं इनिशियल लेवल पे जो मैच कर रहा हूँ वो भी करने का कोई सेंस नहीं बनता, बिकॉज दे डोंट हैव टारगेट। अगर टारगेट है तो आप उसको कर सकते हैं। तो इस तरीके से हमने शुरू किया, लेकिन वो बहुत छोटा लेवल था, उतना कोप अप नहीं कर पा रहे थे। जैसे डिस्ट्रिक्ट और स्टेट में हमने स्केल इंडिया को प्रमोट किया और वहाँ से प्लेयर्स को निकालना शुरू किया, तो मेरे ख्याल से आज 6 साल पहले से स्केल इंडिया इतनी फॉर्म में आई कि 6 साल पहले 900 के आसपास बच्चे थे, फिर प्लेयर्स 1200 हुए, उसके बाद 1600 हुए, 2018 में जब ये मैच यहाँ पे हुई थी तो उस समय 1668 प्लेयर्स थे, और आज का नंबर आपका 1816 बच्चों का है। आज जो 2 दिन में ये मैच खेल के जाने वाले यहाँ से अपने स्टेट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, चाहे वो गुजरात है, चाहे अहमदाबाद आपका गुजरात का ही है, हरियाणा है, पंजाब है, आपके उड़ीसा से टीम आई है, तेलंगाना से टीम है, हैदराबाद से टीम है, जम्मू कश्मीर की टीम आते आते रह गई बिकॉज वहाँ पे इश्यूज चल रहे हैं, लेकिन बाकी सारे स्टेट्स का सपोर्ट बहुत अच्छा है। भले किसी स्टेट से 1-2-4 बच्चे ही आए हो, लेकिन आए जरूर है, और ये बोलने में कोई शक नहीं है कि अगर इसी तरीके से मैचेस प्रमोट हो रही है, गेम प्रमोट हो रहा है, आज अगर आज की आप बात करें तो क्योंकि गेम हमारी लाइफ से गायब हो गया, आप मेरी बात से सहमत होंगे, आज हम आप जिस स्टेज ऑफ लाइफ से निकल के यहाँ पहुँचे उसमें गिली डंडा भी था, उसमें वॉलीबॉल भी था, अताई पताई थी जिसमें आप पेड़ पे चढ़ के खेलते थे, आपकी पकड़ा पकड़ी होती थी, सागली थी, तो इतने सारे गेम्स थे जो आज बच्चों को उनके नाम भी नहीं पता है। तो जो लाइफस्टाइल हमने जी वो सही थी, या जो लाइफस्टाइल आज बच्चे जी रहे वो सही है। तो ये सब इश्यूज़ को देखते हुए इस स्केट इंडिया, इस स्केटिंग और इस स्पोर्ट्स का जो प्रमोशन यहाँ जो कोचेस हैं, जो एसोसिएशन है, फेडरेशन है, वो कर रहा है, और हम अपने लेवल से कर रहे हैं, लेकिन मोटिव बहुत क्लियर है कि स्वस्थ भारत होना ही चाहिए, जो मोदी जी ने नारा दिया है, बस उसी को पकड़ के आज हम चल रहे हैं। खेलो इंडिया खेलो, यही हमारा स्लोगन भी है, खेलो इंडिया खेलो, लेकिन उसमें एक चीज़ हमने ऐड की कि हम में है दम। खेलो इंडिया खेलो, लेकिन हम में है दम, तो हम में है दम, इसके लिए हम खेलो इंडिया खेल रहे हैं। और मुझको बहुत ज़्यादा प्राउड महसूस होता है कि आज जिस तरीके से बच्चों का, पेरेंट्स का, लोकल बॉडीज़ का, लोकल प्रशासन का, इनके जो आपके जो हेड्स हैं, MLAs हैं, या आपके जैसे आज के चीफ गेस्ट ऑनरेबल श्री विजय जी चौगले, जो न्यू बॉम्बे के अपोजिशन लीडर हैं, वो चीफ गेस्ट हैं, थोड़े कुछ टाइम में अभी आप हैं यहाँ पे, आप देखेंगे कि महाराष्ट्र गौरव अवार्ड अभी यहाँ पे कुछ टाइम में दिया जाएगा। ये उन बच्चों को दिया जाता है जो नेशनल्स में मेडलिस्ट हैं, वो चाहे स्कूल गेम हो, चाहे फेडरेशन के मैचेस हो, चाहे लोकल मैचेस में जो ASM जो स्कूल की मैच है उसमें उन्होंने लिया है, उनको सत्कार करने का इससे अच्छा मौका नहीं हो सकता, जहाँ पे उनके पेरेंट्स भी हैं, उनके गुरु लाइक कोचेस भी हैं उनके, और इतना अच्छा मंच है, तो वो अवार्ड हम प्रमोट कर रहे हैं। इनफैक्ट मैं बहुत ही गर्व से बोलना चाहता हूँ कि स्केट इंडिया आगे 1-1.5 साल के अंदर स्केट एशिया में कन्वर्ट होने वाला है। स्केट एशिया मीन्स कि ये मैच यहाँ से निकल के एब्रॉड में खेली जाएगी, और हमारे हिंदुस्तान से बच्चे जाएंगे और बाकी कंट्री से ही बच्चे वहाँ पे आएंगे, और ये मैं आज आपको बहुत ही गर्व के साथ बोलना चाहता हूँ कि अगले आने वाले 2 साल के अंदर हम ये करने जा रहे हैं कि यहाँ के बच्चे अब्रॉड के मैच खेलेंगे, इनफैक्ट वहाँ के बच्चे भी उस मैच में पार्टिसिपेट करेंगे। जिस तरीके से IIFA अवार्ड, जिस तरीके से हमारे अवार्ड दुबई में होते हैं,
लेकिन लोग यहाँ से जाके वहाँ मैच करते वहाँ अवार्ड सेरेमनी करते, उसी तरीके से हमारे बच्चे यहाँ से यूएस, कनाडा, स्विट्जरलैंड जाएंगे, उनके बच्चे भी वहाँ आएंगे, आसपास के 4-6 कंट्री के बच्चे और आएंगे वहाँ पे स्केट एशिया और स्केट यूरोप चैम्पियनशिप बड़े ही जल्दी हम लॉन्च करने जा रहे हैं। तो मुझको गर्व होता है ये बोलते हुए कि इससे फास्ट ग्रो हम नहीं कर सकते थे, और पूरे पूरे कोचेस का और लोकल बॉडीज का सपोर्ट है, इससे हम ये कर पाएंगे, और इसमें मुझको पूरा विश्वास है कि भारत सरकार भी हमारी मदद करेगी इसमें। थैंक यू सो मच। अभी जो रमा मैम ने जो बताया आपको कि जो क्रेज़ है वो बढ़ेगा, वो क्रेज़ अगर आप परसेंटेज वाइज देखोगे तो स्केटिंग इज़ द स्पोर्ट विच इज़ प्लेड मैक्सिमम इन द वर्ल्ड, इट बीज टेनिस, इट बीज सॉकर, वो सबको एज अ होल हमारी स्पोर्ट बीट कर रही है ऑलरेडी। लेकिन जो इंटरनेशनल कम्युनिटीज़ है दे डोंट वॉन्ट दैट स्पोर्ट टू कम अप इतना बड़े तरीके से, बिकॉज स्केटिंग में ना आप जो भी सोच सकते हो, जैसे यू कैन प्ले बास्केटबॉल, यू कैन प्ले क्रिकेट, यू कैन प्ले फुटबॉल, ऐसे ऑलरेडी 11 टाइप्स ऑफ स्पोर्ट्स का वर्ल्ड चैम्पियनशिप्स होता ही है। तो एज अ स्पोर्ट स्केटिंग एज अ स्पोर्ट सबसे बड़ा है, तो उसको कंपार्टमेंट में उन्होंने डिवाइड कर दिया है कि स्पीड स्केटिंग अलग। जैसे अभी ये स्केट इंडिया में वी हैव ऑलरेडी रिक्वेस्टेड संजय सर के नेक्स्ट ईयर सिर्फ स्केटिंग में स्पीड मत करो, आप और भी बहुत सारे सब स्पोर्ट्स हैं आप वो भी इन्वॉल्व करो, जैसे हॉकी हो गया, रोल बॉल हो गया, ऐसे और बहुत सारे ऐसे 11 तरीके के स्पोर्ट्स होते हैं विच आर प्लेड ऑन स्केट्स। सो अगर आप एज अ होल देखोगे तो इट बीट्स एनीबडी। तो स्केटिंग में जो पॉपुलैरिटी है वो शायद ही कोई स्पोर्ट्स में है। मैं सिर्फ मीडिया को एक ही रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो आप हम लोग को आज एक किस्म का प्रोत्साहन दे रहे हो बाय कमिंग एंड कवरिंग अप आवर इवेंट, विच वी आर रियली थैंकफुल एंड फ्रॉम बॉटम ऑफ द हार्ट एंड ऑन बिहाफ ऑफ स्केट इंडिया, मैं आप लोग को सच में थैंक करता हूँ, क्योंकि पेरेंट्स का अवेयरनेस नहीं है। आप देख लीजिए कि कोई भी स्पोर्ट है अगर वो अवेयरनेस के लिए अगर मीडिया हेल्प नहीं करता है तो वो ग्रास रूट लेवल तक जाता नहीं है। और जैसे मैंने आपको बताया कि जो रमा मैम ने बोला वो ऑलरेडी हो चुका है, मैक्सिमम जो आप बोल सकते हैं ना बिगेस्ट स्पोर्ट इज स्केटिंग, लेकिन उसको ना कंपार्टमेंट में डिवाइड कर करके हमारी इंटरनेशनल कमिटी ने हम लोग को नीचे रखा हुआ है, इसकी वजह से हमको स्पॉन्सर्स नहीं आ रहे हैं एंड बिकॉज ऑफ दैट द स्पोर्ट इज़ नॉट ग्रोइंग। बट आई रिक्वेस्ट कि अगर कोई ऐसे पॉलिटिशियंस है या कोई कॉरपोरेट हाउसेज है, इफ़ दे स्टार्ट लुकिंग एट दिस स्पॉट इन अ डिफरेंट पर्स्पेक्टिव ऑल टुगेदर, दिस स्पॉट विल रीच द स्काई एंड थैंक्स टू ऑल योर सपोर्ट एंड ऑल वी विल बी एबल टू डेफिनेटली टेक इट इंटरनेशनल, जो विजन हम लोग ऑलरेडी रख ही रहे। स्केट इंडिया हा एक ब्रँड म्हणू शकता तुम्ही, जसं सर म्हणाले 12 वर्षे झाले, मी स्वतः पण पर्सनली येतोय, मी कोच आहे आणि मी स्वतः मुलांना शिकवतो। सरांनी एक गोष्ट सांगितली की पेरेंट्स प्रोत्साहन देतात हे सगळं होतं, पण ह्याच्यातनं जसं स्पॉन्सर्स येणं आणि त्यातनं पैसे मिळणं आणि मग त्यांना ट्रेनिंग करणं, ट्रेनिंगसाठी जे लागतं ते करणं, इट इज व्हेरी डिफिकल्ट, आणि पेरेंट्सच्या पॉकेटला होल करून करणं इट इज नॉट वायबल। जर कोणी कॉर्पोरेट हेल्प केली तर इट विल बी अ ह्यूज स्पोर्ट, जसं सरांनी सांगितलं आउट ऑफ इंडिया दिस इज वन ऑफ द बेस्ट स्पोर्ट, म्हणजे इट इज कोलंबियाचा नॅशनल गेम आहे, तर ती पॉप्युलॅरिटी इंडियात यायला लागली आहे, तर ती पॉप्युलॅरिटी आपल्याला ग्रो करायची आहे आणि तुमच्या हेल्पनीच ते होऊ शकतं। आणि पहिले तो संजय सर का मैं बहुत आभारी हूँ, स्केट इंडिया उन्होंने 12 साल हो गया है, फिर 12वां फंक्शन है, और स्टेट से, गुजरात से, हर एक स्टेट से मेरे ख्याल से कुछ 1600 बच्चे आए हैं, तो एक अच्छी बात है। संजय सर जैसे टैलेंटेड लोग हैं यहाँ पे और उनके सभी सहयोगी हो गए, और अच्छा लगता है कि यूरो स्कूल के माध्यम से और पीछे जो कंपटीशन होता है यहाँ से ऐरोली के रह गए बच्चे नवी मुंबई में से, तो एक उनको कंपटीशन मतलब एक प्रैक्टिस खेलने के लिए भी, और मुझे लगता है कुछ 5 साल के ऊपर से
10 साल के बीच में के सब, मतलब सभी उम्र के बच्चे इसमें पार्टिसिपेशन करते और एक स्पोर्ट्स के लिए एक अच्छा है। आप खुद कितने स्केटिंग के लवर थे अगर बात की जाए बचपन में? नहीं, मैंने तो कभी स्केटिंग की नहीं। मैं स्कूल में था तो मैं देखता था, तो जो मेरे जूनियर्स है मतलब वही अभी ये जो उम्र के दिख रहे हैं तो वो करके अच्छा लग रहा है। सर कितना जरूरी है आजकल के बच्चे मोबाइल में बिजी रहते हैं, आउटडोर गेम खेल कम खेलते हैं, इंडोर गेम में ज़्यादा बिजी रहते हैं, कितना जरूरी होता है आउटडोर गेम खेलना जैसे क्रिकेट हुआ, स्केटिंग हुआ, वॉलीबॉल हुआ? देखो आज क्या हमारे जैसे जनरेशन है अभी, जैसे ये छोटी है देखिए 2.5 साल की है, तो एक्चुअली टेलीविजन फ़ोन देने से अच्छा ये आउटडोर गेम स्केटिंग हो गया, फुटबॉल हो गया, मतलब जो भी स्विमिंग हो गया, ये सब चीज़ों पे ध्यान देना चाहिए, क्योंकि जो अपन सोशल मीडिया मतलब ये टेक्नोलॉजी आई है ये बच्चों के लिए मतलब उतनी डेंजरस है, लाइक विजन का बोलो या जो भी बोलो, तो एक अच्छी बात ही है जो सर कर रही है स्केटिंग इंडिया। Thank you very much. I'm Sarah Somondi from Kenya. I'm a Kenya delegation. I'm a member of the County Assembly. I'm in charge of education and culture. And I'm happy about sports. I'm here, it's as if we came here for a karate competition. And I'm delighted to come and see what the juniors are doing in terms of skates. Back in our country, Kenya, we also have skates, but I've seen the kind of sporting facilities and the kind of parents are very happy to engage their kids. This is another new turn of sporting. And when I go back to Kenya, I'd like also the organizing committee to extend invitations so that next time I come with the karate team and I come with the skating team so that we can participate in this sporting activity. Okay, thank you very much. I would like to go back to Kenya. When I go back to Kenya, I came with my skating team. I'll also come with the karate team so that I can participate in this sporting competition. I'd like to applaud the organizing committee for this noble event. I've seen also parents here supporting their juniors, and that is a noble activity, and I want to encourage them. Maybe when I go back to my country, Kenya, I would like also to promote this kind of activity and also promote this kind of events and this kind of field. I'm impressed and I'm very happy for the organization and the proper organization. Thank you very much. हम नागपुर से आए। कैसा लग रहा है आपके बच्चे का? बहुत अच्छा लग रहा है। कितने साल से आपका बच्चा कर रहा है? चार साल से मेरा बच्चा कर रहा है। लास्ट ईयर नेशनल के लिए खेला है, 1000 मीटर में सिल्वर मेडल लेके आया है, और यहाँ पे भी बहुत अच्छा है, मोटिवेशन मिल रहा है बच्चों को। जिससे देखा जाए तो कोच कैसे, उनके पीछे मेहनत कैसी करते हैं? सब डिपेंड ऑन द कोचेस एंड ऑल द पेरेंट्स, सब डिसिप्लिन। अगर कोच है तो बच्चे अच्छे निकलते हैं, और मेरा ये कहना है कि ऐसे छोटे छोटे मैचेस खेल खेल के ही आगे जाना पड़ता है, ये जरूरी है बच्चों की। और कोई कुछ कहना चाहता है? लास्ट 2 साल से हमने स्टेट इंडिया कंपटीशन में रिप्रेजेंट किया है, एंड एवरी ईयर शी इज विनिंग मेडल्स, सो वी आर वेरी प्राउड, एंड द कंपटीशन इज ऑर्गेनाइज्ड इन अ नाइस वे आल्सो। आम्ही 7 वर्षापासून करतोय, कोल्हापूरवरून आम्ही येतोय। मला आभार मानायचं संजय सिंगर साहेबांचं की एक चांगला प्लॅटफॉर्म त्यांनी मुलांना दिला स्केट इंडियाच्या माध्यमातून। फक्त आम्हाला एवढं काय, ह्यातून त्यांनी इंटरनॅशनल सिलेक्शन करून मुलांना इंटरनॅशनल त्यांना पाठवायचं प्लॅटफॉर्म निर्माण करून प्रमोट करून त्यांनी ऑलिम्पिकसाठी किंवा इंटरनॅशनल स्पर्धेसाठी त्यांना पाठवायसाठी त्यांनी प्रयत्न केला पाहिजे। मेहनत करायची, आमच्यापेक्षा जास्त मेहनत त्यांना कोचला घ्यायला लागते। आम्ही फक्त एक निमित्त आहोत, फक्त पैसे देण्यासाठी त्याच्या सपोर्टर आहे। आम्ही फक्त सपोर्ट देऊ शकतो, खरी मेहनत त्याचा कोच घेतो। कोच आमचा पण जो कोच आहे कोल्हापूरचा सचिन इंगोले, तो सकाळी 4:30 ला उठून मुलांना घेऊन जातो प्रॅक्टिस।
आम्हाला फक्त 6 महिने जॉईंट करून झालेत, पण आमचे कोच खूप मेहनत करतात मुलांसाठी. मेहनत करतात आकाश सर. माझ्या मुलाला फक्त जॉईंट करून 6 महिने झालेत. मी सगळ्या कॉम्पिटिशन जॉईन करतो. आमचे सर खूप मेहनत घेतात मुलांसाठी, खूप चांगलं शिकवतात. आमच्या सरांचं नाव आहे आकाश सर. मी बदलापूरहून आलो आहे आणि माझ्या मुलाला 3 महिनेच झालेत शिकून, पण आमचे जे कोच आहेत गावकर मॅडम, त्यांनी चांगल्या उत्तम रीती त्यांना शिकवलं आहे त्याला. आणि जसं या स्केटवर त्यांनी जे आज व्यवस्थित हे केलं आहे तर अतिशय चांगलं होतं. म्हणजे जरी नंबर नाही आला तरी ज्या प्रकारे त्यांनी कवर अप केलं आहे ते खूप चांगलं वाटलं आणि याच्या पुढे सुद्धा करू शकतो तो प्रॉपर, हे चांगलं वाटतं. मी पण दुर्वा स्पोर्ट्स अकॅडमीमधून आलो आहे अंडर दी गायडन्स ऑफ हेमंत सर अँड किशोर सर. सो ते पण खूप चांगले प्रॅक्टिस घेतात आणि मुलांचं पोटेन्शियल समजून व्यवस्थित त्यांना ग्रूम करतात. बच्चे लोग कुछ करना चाहेंगे आप लोग? हाँ बोलोगे कुछ? कुछ बोलो ना, बोलो ना, बोलो ना. मी कोल्हापूर वरून आलेले आहे. हे रेसेस खूप छान होते. मी 4 वर्षापासून खेळते. नाव आहे प्रतमेश सर आणि आकाश सर. सांग सर. माझं नाव रुपेश गांजुए. मी पण कोल्हापूर वरून आलेले आहे. माझं हे पहिलंच वर्ष होतं आणि मी पहिल्यांदाच स्केट इंडिया रेसेस खेळल्या आहेत व माझा त्याच्यावर त्यात नंबर पण आलेला आहे. आय एम फिलिंग सो प्राऊड. आम्ही रोड येतो आलेले आहे नागपूर जवळपास. 12 वर्षानंतर आले नागपूर चांगली गेली आहे. ओके.